ऐसी अंधी बहरी सरकार को क्या कहना है। ये बहरी भी सरकार है और अंधी भी सरकार है। जब संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार है और संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार है, उसको इतना नहीं दिखाई पड़ता कि इतनी महंगाई के समय में 5950 रुपया में कैसे महिलाएं अपना घर परिवार चलाएगी। जब भूख होती है तभी लोग रोड पे उतरता है, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और महिला होने के बाद भी आज अपने आप को पहले तो किसी की पत्नी है, फिर बहू है, बेटी है, लेकिन उस दायरे को भी तोड़ करके आज हम डीएम साहब के यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। क्या दिया जाता है तो सरकार खुद जान रहे हैं जो हम लोग का 59 से 50 में कैसे हम लोग का पेट भरेगा, कैसे बच्चा का पेट भरेगा। सरकार कोई मजदूर घर में लाता है तो उसको शाम में 500 रुपया दिया जाता है, हम लोग क्या है। देखिए, सहरसा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उग्र हो चुकी है और सहरसा के समरणालय गेट को घेर लिया गया है। तस्वीरें देखिए, भारी तादाद में आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है समरणालय गेट पर बैठ चुकी है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहां पर देखिए सभी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है वो यहां पर बैठी हुई, अपनी मांग को लेकर बैठी हुई। हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला है, आखिर क्या, क्यों आप लोग यहां पर धरना पर बैठ गए। सभी मीडिया बंधु को पहले प्रणाम, शमलाम, नमस्कार। क्योंकि आज जो हम लोग बैठे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि भूख, ये भूख हमारी 5950 रुपया में और 2975 रुपया में सहायिका का और 5950 रुपया में सेविका का। अब आप लोग भी सभी लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं और हम ये सबसे निरीह बहनों का अब 5950 रुपया में पेट भरने के लायक नहीं है। जब भूख होती है तभी लोग रोड पे उतरता है, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और महिला होने के बाद भी आज अपने आप को पहले तो किसी की पत्नी है, फिर बहू है, बेटी है, लेकिन उस दायरे को भी तोड़ करके आज हम डीएम साहब के यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, जो हम लोगों का दायरा नहीं था। उसके बाद भी आज नारी शक्ति की बात करती है ये सरकार, ये गूंगी और बहरी सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन क्या आप लोगों के माध्यम से मैं नीतीश जी से पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी बाबू से पूछना चाहती हूँ कि ये नारी क्या है। यदि उनका कटेरिया निकालना है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का तो हिजरा में भी निकाल दीजिए, हम लोग ताली बजा करके पैसा कमाने का काम करती है। जब तक आंगनबाड़ी सेविका मानते हैं तो अब जो उचित हम लोग का समान काम का समान वेतन देना होगा, और जब तक ये सरकार अब की बार नहीं सुनेगी तो हम लोग भी स्ट्राइक तोड़ने वाले नहीं हैं। आंगनबाड़ी बंद रहेगा और चक्का जाम होगा। अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अब उग्र होने में हम लोगों को देर नहीं लगेगा, क्योंकि पेट की भूख जब आग लगती है तो शर्म और विचार विवेक सब हम लोगों का मर चुका है, अब हम लोग बैठने वाले नहीं। क्या कहिएगा आप लोग, आज धरना पर बैठ गए, ये कब तक चलेगा ये? ये जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तब तक चलेगा, अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगा। अनिश्चितकाल जी। सरकार कह रही है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और आप लोग अब यहाँ पर सरकार क्या दिया जाता है तो सरकार खुद जान रहे हैं जो हम लोग का 59 से 50 में कैसे हम लोग का पेट भरेगा, कैसे बच्चा का पेट भरेगा। सरकार कोई मजदूर घर में लाता है तो उसको शाम में 500 रुपया दिया जाता है, हम लोग क्या है। 59 से 50 में हम लोग का पेट नहीं भरता है तो कैसे हम लोग का चलेगा बच्चा परिवार। या बोलिए तो पहले सरकार को इतना सोचने के समझ के नहीं है दिमाग में, तो क्या हम बोलेंगे, क्या देंगे, कहाँ देंगे। टीचर को इतना दे दिया है, हम लोग का क्या दे रहे हैं सरकार, इससे बढ़िया तो छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए। सारा चीज वादा कर लेते हैं, वादा करके भूल जाते हैं। आप लोग का आएंगे हम अपना सत्ता में तो हम लोग दुगुना देंगे, तो कहाँ है दुगुना, कहाँ है हम लोग का। हम लोग का यही कहना है सरकार को, जो आप मजदूर को जो देते हैं वही मजदूरी हम लोग को चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। जो मजदूर को दे रहे हैं मजदूरी हम लोग का चाहिए, कम से कम 500 रुपया रोज चाहिए हम लोग को, तभी हड़ताल तो रहेंगे ना, तो और निश्चितकालीन हड़ताल हम लोग का जारी रहेगा। इसी तरह से बैठे रहिएगा आप लोग क्या? हाँ, बैठे रहेंगे। हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग को सरकारी कीजिए और 9000 रुपया में पेट भरने वाला है। हम लोग को वादा किए थे नीतीश तेजस्वी से 59 हम दुगुना करेंगे, तो नहीं किए हैं, भूल गए हम लोग को। हम लोग और सब आदमी को कितना वेतन मिलती है सब तो आप लोग जानबे करते हैं। सब चीज़ महंगाई हो गई है, कैसे चलेगा हमारा रोजी रोटी, यही कहने चाहते हैं। और भी यहाँ पर सेविका सहायिका से बातचीत करेंगे, क्या कहिएगा? ऐसी अंधी बहरी सरकार को क्या कहना है।
ये बहरी भी सरकार है और अंधी भी सरकार है, जब संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार है, और संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार है उसको इतना नहीं दिखाई पड़ता कि इतनी महंगाई के समय में 5950 रुपया में कैसे महिलाएं अपना घर परिवार चलाएगी। वो कुपोषण मिटाना चाहते हैं और लाखों करोड़ों सेविका के बाल बच्चे को वो कुपोषित कर चुके हैं, हम लोग को भी कुपोषित कर सकते हैं, इसलिए उनके झूठे वादा को हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग को जो भी मांग चाहिए लिखित में चाहिए और पक्का चाहिए, जब तक वो लोग लिखित में हम लोग की मांगे पूरी नहीं करते हैं अन्यथा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये चलता ही रहेगा। पांच सूत्री मांग है, उसमें मुख्य मांग है हमारा कि जब तक हमारा सरकारीकरण आप नहीं करते हैं, हम सेविकाओं को 25,000 रुपया और सहायिकाओं को 18,000 रुपया देने का वो सुनिश्चित करें मानदेय, अन्यथा ये सरकार को हम लोग आगामी इलेक्शन में खुली चुनौती देते हैं कि हिला के रख देंगे, 24 में वो जीत नहीं पाएंगे। बड़ी तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई है, सरकार के विरोध में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अब सड़क पर उतर चुकी है और चक्का जाम करने की भी चेतावनी सरकार को दे रही है। देखिए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है पांच सूत्री मांग को लेकर सहरसा समरणालय गेट पर बैठ चुकी है और कह रही है जब तक आश्वासन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठेंगे नहीं, आगे भी जो इस बड़ा आंदोलन है वो किया जाएगा और सरकार को हिला दिया जाएगा। देखिए चेतावनी जो है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दे रही है, फिर से एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से भारी संख्या में जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है वो यहाँ पर पहुँच जो है सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीर सहरसा से निकल कर सामने आई है जहाँ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।